बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ अभी क्योंकि मैं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ इस वजह से। एनीवे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सारे घर वाले मिलकर रोटी टुक्कर के लिए जा रहे हैं। मेरा भाई हंस रहा है, ये क्या बातें कर रही है। खाना खाने जा रहे हैं। सो जैसे कि हमने बताया था कि 500 केक की सेलिब्रेशन नहीं की क्योंकि भाई स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहे थे सबके और टाइम नहीं मैच हो पा रहा था। तो फाइनली आज टाइम मैच हो रहा है तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। ऑल दो मैंने पहले से ही रिजर्वेशन करवा दी थी, बट क्या है कि सिर्फ इसमें 500 केक की सेलिब्रेशन ही होगी। अब हम समझदार हो गए, हम ख्वाहिशार हो गए, इसलिए अभी साथ में मेरी बहन की बर्थडे जो थी 11th को, नहीं सॉरी 10th को, सॉरी 10th को थी। अरे चुप कर जा, चुप। तो 10th को जो उनकी बर्थडे थी वो हम लोग अब वो भी सामने सेलिब्रेट करेंगे। एक एक पेस्ट्री लेकर भी सेलिब्रेट करेंगे, घर से कैंडल्स ले जाएंगे आराम से और कोई केक शेक का खर्चा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी होगा, हम वही काट लेंगे उसी में बर्थडे और सारी सेलिब्रेशन कर लेंगे और यू नो इंजॉय भी कर लेंगे। तो बस थोड़ी देर में अब बस हम लोग निकलेंगे तैयार होकर। सो अभी भाई मैं बहुत तैयार होंगी, मैं बहुत ज्यादा तैयार होंगी अभी। मेरा मुझे बहुत शौक है भाई 500 केक की सेलिब्रेशन करनी है, सो मैंने बहुत ज्यादा तैयार होना है और बालशाल अपने अच्छे से हेयर स्टाइल बनाना है। जी नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा मेकअप नहीं करती। आई डोंट नो क्यों लगता है सबको कि मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती हूँ। मैंने नहीं, बट मैंने आज सोचा कि आज मैंने आईलाइनर लगाना है, मैंने थोड़ा चेंज करना है अपनी आईलाइनर लगाकर। हालांकि वैसे काफी टाइम हो गया मैंने नहीं लगाया, बट चलो फॉर द चेंज हम लोग कर लेंगे। खैर एनीवे गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तैयार शार होते हैं, अभी बहुत काम करने वाला टाइम थोड़ा है, हमेशा की तरह मेरे पास टाइम थोड़ा होता है। और बस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बट जाने से पहले मैं आपको अपना आउटफिट तो जरूर दिखाऊंगी और मौसम का भी। टाटा बाय बाय मौसम। A few moments later. So guys, I am ready. This is my outfit. अच्छा जी, जारू को पहले देख। जारू कितनी प्यारी लग रही है, गोल्डन एप्पल। बाजी देखा था जारू को। Let it go. Let it go. मेरी बहन कितनी अच्छी लग रही है। और as usual मेरे बेड पर काफी सारा गंद पड़ा हुआ है। और अरीबा, ओ माई गॉड, अरीबा तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अरीबा, सब ये कहते हैं कि अरीबा पहले बड़ी शोख और चंचल होती थी, मुस्कुराती रहती थी। अभी अरीबा को क्या हुआ है, क्यों ऐसे हो गई है? पता क्यों नहीं, दिल नहीं करता। ओके, किससे बाजी? बाजी आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, पिंक कलर रियली सूट्स यू। गुलाब लग रही हूँ। आप गुलाब हैं, आप लग क्या रही हैं, आप हैं। आप हमसे पूछें, किसी और से नहीं पूछना, हमसे हम बस बता सकते। अरीबा को काला टीका लगा देते हैं हम, ये लाइनर खराब करके ना इधर से, तो इधर लगा देते हैं। लगा दो लाइनर। नहीं नहीं, इतना अच्छा लाइनर लगाया हुआ अरीबा ने। अरीबा शर्मा ऐसे रही। चलो बाय, हम लोग बस अभी निकलने लगे हैं। तो भाई अब आज सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, आज महा सेलिब्रेशन है, यानी कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हम लोगों ने करनी है। अच्छा जी, अब इसको भी देख ले भाई, ये बहुत अच्छी लग रही है ना। ये अरे अच्छी लग रही है। यस यस भाई, अभी थोड़ी देर में निकलने लगे। मेरे बालों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, ऐसे ऐसे क्यों मुड़ है। मैं बार बार अपने घर वालों को पूछ रही हूँ कि मैं वकील तो नहीं लग रही अपने इस ब्लेजर से। लग तो नहीं रहा कि मैं लग रही हूँ, लेकिन खैर एनीवे। और मैंने लाइनर नहीं लगाया और उसकी रीजन है कि बस मुझे लगा कि फिर बहुत ज्यादा मेकअप लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइनर नहीं लगाते। बालों की सेटिंग शेटिंग बस मैंने की है। और भाई लॉन्ग बूट्स मुझे पहनने थे क्योंकि ठंड आ गई है, सो मजा ही है लॉन्ग बूट्स पहनने का। ऊपर वाले का इंतजार कर रहे हैं एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं। ये वाला जो ज्वेलरी का पीस है ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, तो ये मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा आज मुझे गोल्डन की बजाय सिल्वर टच देना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यू नो गोल्डन चीज़ें पहनती रहती हूँ, तो इस वजह से। ओहो, और हमारी हसीना को देखें भाई, लास्ट मोमेंट में चेक भाई अपनी अपना आउटफिट तो दिखा दो इधर बूथी करके। नहीं मेरे पास ना टाइम नहीं है, ऊबर वाले ने आ जाना है ना। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फिर से स्पाइस बाजार में। और पता नहीं वैसे हम लोग जल्दी पहुंच गए, हालांकि हम लोग निकले तो लेट थे, घर वाले बाकी सारे हमसे भी ज़्यादा लेट आए हैं। गाइस हम लोगों की जो रिजर्वेशन है वो, लेकिन अच्छी बात है कि हमें अंदर की मिल गई है क्योंकि भाई ठंड है भाई।
ठीक है, सो इस वजह से भी देखते हैं कौन सी वाली ये मैं ये चाह रही हूँ, मैं ये या वो उधर से कोई मिल जाए, क्योंकि मुझे ये वाली पसंद है। मुझे या तो ये वाली लोकेशन पसंद आ रही थी और या फिर इधर की आ रही थी। सो बाकी घर वाले आ रहे हैं, पापा जी भी आ रहे हैं, पापा जी की तबीयत इतनी सही नहीं है आज, बट माशाल्लाह। ये कहाँ से आ रही है? ओके ओके, अब तबीयत नहीं ना ठीक। हेलो हेलो, आप हमसे लेट क्यों पहुँचे हैं? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। जो फिर लोकेशन गई है, ठीक है, ले जाओ, तो नहीं बड़ी दूर से लेके आया। अच्छा, वो लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं वो लोग ना, पी है के ग्लासेस उतार देते हैं, क्योंकि ताकि हमें भी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आए, तो नहीं ब्राउन ब्राउन नज़र आ रही थी। और अभी भी थोड़ा टाइम है, 10 मिनट है बस मेरे हाल में। हाँ, अभी बस 5-10 मिनट में रोटी खुलने वाली है, फिर रोटी खाएंगे। जारू नींद आ रही है? नींद आ रही है। जारू अच्छी लग रही है? जारू क्या खाएगी? ये मेरी ब्रेड। क्या खाओगी जारू? शर्म तो नहीं आ रही? कैसे कैसे बार अच्छा। अभी हम लोग तो जा रहे हैं, खाना खुल गया, बनशी रोटी खुल गई। हाँ, वो फ्रेश फर्स्ट स्लॉट का खाना दिखाती हूँ मैं। वाओ जी, डिज़र्ट में काफ़ी कुछ है, सो इसको हम बाद में चेक करेंगे डिज़र्ट को। ओए, मैं तो ये ज़रूर खाऊंगी यार, मुझे बहुत पसंद है ये। शमील तुम तो कुछ भी नहीं खाओगे इनमें से, है ना? और सैलड है, और अभी काफ़ी ज़्यादा रश भी है, सो पहले तो मैं अब्बू के लिए लूँगी। बाजी आप कहाँ जा रही हैं? मैं सर अपनी फ्रेंड से ना। अच्छा, मैं अब्बू के लिए क्या लेकर जाऊँ? आगे। हेलो सर, ये है हलीम, को पता नहीं दलीम बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी डिसाइड करना पता नहीं क्या मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में मैं राइस लूँगी अभी, और साथ में पहले तो अबू के लिए देखती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए कुछ लूँगी, और बाकी घर वाले तो मेरे लिए ले ही रहे हैं। कहाँ जा रही हो? दिखाओ तो शी, कहाँ लेके जा? जारू प्राइस तो ले जाओ, पता आ जाएंगे। मैं क्या लूँ अम्बू के लिए? फ्राइज ले लूँ भाई। मौसम भी आ गया। हाँ जी, और सब लोग खा रहे हैं, और मेरा भी, मेरी भी प्लेट आ गई भाई। मैंने तो, मुझे समझ नहीं आती कि मतलब मैं ये क्या कॉम्बिनेशन खाती हूँ, बट मुझे ये अच्छा लगता है। अभी जल नहीं टूटी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। नाइस, खाओ खाओ खा लो बस तुम लोग। सुना नहीं बाजी ने ले क्या है, रीम पकड़ने लगी, यदि एन ऐसे नहीं खाते। अच्छा, अब हम लोग खाना खाने लगे हैं, इंजॉय करने लगे, वैसे मज़े का मौसम, थैंक गॉड ज़्यादा रश नहीं है यार बाहर। वैसे भी मुझे भूख भी लग रही थी, अभी टाइम भी हो गया था खाने का, तो वैसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह का नाश्ता ही किया बताओ? हमने जल्दी कर लिया ना, जिन लोगों ने लेट किया उनको नहीं भूख लगी हुई। मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। कैंडल नहीं मिली? हाँ पूछ रहे हैं, बल्कि 5 नंबर नहीं था उसमें, मैं 2 नंबर का आए नहीं था। झूठ बोल रहा है, 2 नंबर कब का देख रहा है? नहीं, वो हैप्पी बर्थडे नहीं मिला? तो मैंने हैप्पी बर्थडे का ही नहीं था, मैंने तो कहा था मैं फायरवर्क्स वो लेके आया बस, और मैंने तो कहा एक सिंपल मम्मा। मैं बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बोली? बोली आर चले आप पी लें। ये मीन मार बेटा हम ले लेते हैं, पर वैसे मुझे गर्मियों में वैसे ज़्यादा पीने का मज़ा आता है मीन मार बेटा। डील पहला बनता है जो कह रहा है कि बस, मतलब क्या खाया क्या अभी तुमने? 2 प्लेट हाँ चावल और 2-4 कबाब खाए बस। शमील भैया की बात है, तो पैसे हमारे ख़राब कर रहा है। ये देखो ना इधर, और भाई मैं तो अपने सेकंड कामों का उद्भव सो रहा है।
मैं तो अभी अपनी सेकंड टाइम में लेकर आई हूँ, पास्ता है, लज़ानिया, चिकन लज़ानिया, और ये विंग है, लेग पीस। और भाई मुझे पास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, मशरूम्स हैं। अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। पास्ता बहुत मज़ेगा। अब लज़ानिया चेक करते हैं। लज़ानिया बस ओके है, बट पास्ता बहुत मज़ेगा। भाजी कैसा लग रहा, मजे का? इतने दिनों के बाद हम स्पाइस बाजार आए हैं, कैसा फील हो रहा है? हमारे पास है ना, मुझे भी ये लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आए हैं। अब कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ स्पाइस बाजार जाते रहते हैं। और मौसम को देखें, ओए ओए मौसम माशाल्लाह अच्छा। भाई पास्ता ज़रूर ट्राई करना, मज़े का, बहुत अच्छी ग्रेवी है। और उधर पता नहीं अबू और कहाँ क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं हमें भी बताएं। हैं पर्सनल तुम्हारी और अबू के साथ? हाँ। और मौजूम अपने लिए मीठा लाते हुए, मौजूम क्या क्या लाए हुए? पता नहीं, बस शक्ल अच्छी लगी मैं ले आया। और ये मुझे ज़रा कुछ ब्लूबेरी टाइप लगा था। हाँ मुझे भी कुछ ब्लूबेरी टाइप ही लग रहा है, वो तो ट्राइफल है। हाँ। और ये तो पुडिंग है ना भाजी, ये वाली, ये पता नहीं क्या है। इस सारे मसरूफ हैं और देखो अभी तस्वीरें डालेगा, मतलब खा आदमी खानी है, तस्वीरें दिखानी है, कुछ दिखानी भी होती है। बाजी से रहा नहीं गया, मीठे की शौकीन बाजी से, उन्होंने फौरन से खा लिया। कैसा कैसा, मैं ये कह रही हूँ देखो मौसम, मीठे के शौकीन के पास अगर तुम रखोगी ऐसी चीज़ें तो बचेंगी थोड़ी। हाँ बाजी वेस्ट नहीं करना चाह रही। मजे का था बाजी? नीचे मेरे हाल में केक है, ये नीचे केक है, ऊपर मेरा ख्याल है ये ब्लूबेरी का है, ये ब्लूबेरी शायद मूज है। अरीबा का दिखा दे, अरीबा क्या खा रही है? क्या बहुत थोड़ा खाती है? हाँ थोड़ा थोड़ा करके खाती है ना, मैंने रील बनाई है खाने की, ये मैं अपने जिम ट्रेनर को भेजूंगा। इनकी तो शादी तक है। और जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ कहफ क्या खा रही है। बस ये ना अभी कैमरे के सामने ही ऐसे कर रही है, मैं कुछ नहीं खा रही, लेकिन कहफ ये खा रही है। अभी और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए नहीं, चलो। अभी हम शाही तरीके से बैठने लगे यहाँ पर, ऐसी बैल्कनी अच्छी लगती है जो स्पेस बनाई होती है ना, लाइट है ना, अच्छी लगती है ना। तहस नहस हो गई है, बट खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब इसके अंदर ही एक बेकरी भी है, चाशनी, वहाँ पर जा रहे हैं। तो हो सकता है वो हैप्पी बर्थडे लिख दें या फिर 500 के लिख दें, नहीं तो ऐसे ही फिर जब बंदा खा खा के हफ जाता है ना, फिर ऐसी बहुत ऐसी शक्ल हो जाती है ना। सही बात है, खा खा के हफ गए। चल चलते हैं फिर। हाँ चलें। बाकी का बाहर का समा कुछ ऐसा है, बाहर भी बैठ कर लोग खाना खा रहे हैं, और इधर से भी अगर मैं देखूँ तो इधर भी ऐसे बैठ के लोग बाहर से खाना खा रहे हैं। तो सामने भी ये वाली है बेकरी चाशनी, सो तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ से भी पता करते हैं, अगर तो मिल जाता है तो डेफिनेटली फिर हम लोग लिखवा लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चला लेंगे। तो एंट्रेंस के बिल्कुल राइट, नहीं लेफ्ट साइड पे, अच्छा इंट्रेंस सामने का। वो हम लोगों ने सिर्फ ना प्लेट पर बर्थडे लिखवाना है, हैप्पी बर्थडे लिखते हैं आप? हमारे पास होते नहीं है। किसके पास होता है? वो लोग बोलेंगे शायद बेकरी से हो जाए। इंग्लिश जो होते हैं केक तो हमारे पास लेटर में बेचते नहीं है, अपने केक की अगर आप लेते हैं तो यही अच्छा। थैंक यू। नहीं हुआ कुछ जी, ए के पास चॉकलेट कौन नहीं है जो हमें लिख कर दे दे भैया, हैरत है वैसे। अच्छा ये लगता ना थोड़ी घर वाली, किसी का घर ही होगा, सारे रेस्टोरेंट किसी ना किसी का घर ही होते हैं, इस तरह का नक्शा होना चाहिए उनके घर। मौसम तो अपना घर का ऐसे बनाई, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा खुला खुला बंद बंद नहीं होता, मौसम का विला होगा ना। आप वो आ रही थी तो आपके जो पीछे क्या लिया है, केप जो भी लिया है, तो पीछे से ऐसे रोड़ा था जैसे बैटमैन जा रहा है। तुम कुछ और भी कह सकते थे, महारानी भी कह सकते थे, ठीक है, क्वीन भी कह सकते थे। यू जेलस पर्सन, क्यों लिया तुमने एक चम्मच ये मेरे लिए? तो यार मेरी बात सुनो, कोई पेस्ट्री वगैरह नहीं है वहाँ पे?
एक एक पेस्ट्री अपनी पसंद की ले आए, यहाँ पर राइटिंग वगैरह कोई नहीं करने देते, वो मतलब लिख के ही नहीं देते, तो ऐसे ही कैंडल लगा के हम हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। मैं तो ऊंची ऊंची आवाज में चीखे मार मार के आपको विश करूँ। ये तो घर बाहर ऐसी बातें करती है बस। भाई हम क्या मेरे लिए लाई हो? हरीम कहाँ जा गई थी? बताइए क्या लेकर आई है? आइसक्रीम? नहीं मैंने नहीं खानी, ये हमारी मीठे की शौकीन तो कुछ खाएंगे। और ये लड़का जो कह रहा था मैंने नहीं खाना, मैं पेट भर गया, चॉकलेट आइस केक खा तो रहे हो ना, करो फिर से नाइस। चलो अभी बैठ जाओ उधर आके, वो देखो देखो, ओ देखो ये लो, ये देखो मेरे भाई के काम। ये क्या था, ये क्या था, ऐसे करके ऐसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसीलिए तो इसे मंगवाती नहीं हूँ। ये देखे मेरी गोल गप्पा गर्ल, इतने सारे हैं मतलब, आलू टेस्ट कर लो मेरे से है, खुद ही अपने खाऊंगी, तो ज्यादा हो गया ना इस वजह से। क्या कह रही है, आपने मेरा एक लिया था? अरे बा उधर बहुत सारे पड़े हुए हैं। खाओ रीबा, नजर लग गई अपनी लगी है। ये देखें इधर भी सोशल मीडिया यूजर, सोशल मीडिया यूजर, घर बाहर यही काम है, खाना ही खाना है पुत्र। भाई ठंड है वैसे, मतलब सर्दी अब लग रही है। आपकी नहीं चाय चाहिए? इसी कप में डाल दो जरा। हम लोगों ने और मिल्क पाउडर मंगवाया है क्योंकि मेरी चाय बहुत काली है, मुझे इतनी काली चाय अच्छी नहीं लगती, और ये इंग्लिश टी है, इस वजह से हम लोगों को तो ज़्यादा पसंद है घर की चाय, लेकिन इंग्लिश टी में भी पाउडर अच्छा पड़ा हुआ ना, मिल्क पाउडर तो फिर ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मिल्क पाउडर मैं इसलिए कह रही हूँ कि भैया ना हो कि कोई और वाला पाउडर भी समझ ले। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मौसम की तरफ से खाना है सारा। थैंक यू मौसम। हाय वेलकम वेलकम, कैमरा बंदों का बिल दे देना सारा। अरे वाह, अब क्या रह गया था खाने वाला? दे देख रहा यार हमारा केक कितना बड़ा है ना। सामा बाजी आप इधर आ जाए, ऐसे कैंडल्स होते कैंडल्स चेक करें और केक चेक करें। हाँ एक ही, मेरा ख्याल में हाथ में ना पकड़ लूँ मैं सच में। अबरी अबरी केक देखें, केक केक और कैंडल देखें, ये केक है और ये कैंडल है। मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह। नहीं सेल्फी मैंने ले ली यार, जा तू, तुझे किसने कहा है कि तू हमारे साथ रहे? हम तो कह रहे हैं कि तुम जाओ, हम लोग खुद ही आ जाएंगे, हमने कुछ नहीं कर रहा, टेंशन मत लो। हाँ